हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्प्रिंग पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। यह प्रॉब्लम देखिए, यह एक ब्लॉक है जिसका मास एम है और यह दो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्रमशः के वन और के टू है। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस एम मास को, इस ब्लॉक को हम यदि डिस्प्लेस करें बाय ए डिस्टेंस एक्स और छोड़ दें, डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो इनिशियल एक्सीलरेशन ब्लॉक का क्या होगा? व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक? ये हमको पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जैसे दो स्प्रिंग है तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा? दो स्प्रिंग है तो इसका स्प्रिंग इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन एच K इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। इसको हमने कल यह है K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो मैं एडवाइज कर दूं कि यदि हम दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। लेकिन यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं या दो स्प्रिंग के बीच में ब्लॉक रखते हैं, ऐसी स्थिति में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है K1 प्लस K2 के बराबर होता है। अब हमने डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ा, तो नेट फोर्स जब हम डिस्प्लेस किए तो नेट फोर्स उस समय क्या लगा? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स होगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एफ अगर है तो एफ किसके बराबर होगा? के एक्स के बराबर होगा, K1 प्लस K2 इंटू X के बराबर होगा। यह नेट फोर्स है, F इज इक्वल टू KX मैग्नीट्यूड में, K1 प्लस K2 इंटू X। यह बराबर क्या होना चाहिए? मास इंटू एक्सीलरेशन के, इसलिए एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? K1 प्लस K2 इंटू X डिवाइडेड बाई M। दिस इज योर आंसर। इतना आसान है, आपने देख लिया। मैंने आज बताया तो ये, लेकिन आज हम लोगों को शुरू करना है फ्रिक्शन, तो हम समझें कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन से आप परिचित होंगे क्लास 9 में भी। हम चलते हैं, जब हम चलते हैं रोड पर, तो यदि फ्रिक्शन ना होता तो आप महसूस कर सकते थे कि क्या आप चल पाते? अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो जैसे ही हम अगला कदम बढ़ाते, स्टेप जैसे आगे बढ़ाते, तो अगला पैर फिसलता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता और हम गिर जाते। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम दीवार में कांटी नहीं ठोक पाते या बोर्ड नहीं लटक रहा होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं था, कुछ भी संभव नहीं था। तो हम चलते हैं, बोलते हैं और जो कुछ भी हम काम करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन संभव नहीं होता है। तो फ्रिक्शन की हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। ये फ्रिक्शन होता क्या है? या कंसीडर कीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है, या कोई वुडन ब्लॉक की कल्पना की। वुडन ब्लॉक पहले से बहुत चिकना लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह एकदम स्मूथ नहीं है, बल्कि खुरदुरा है और उसके बीच में बहुत सारे
गैप्स होंगे, वॉइड्स होंगे और उभरे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, उभरे हुए पार्ट होंगे। जैसे कंसीडर कीजिए कि कोई भी वस्तु बना है, कोई भी सब्सटेंस बना है, तो वह मॉलिक्यूल से बना होगा और ये मॉलिक्यूल शेप में स्फेरिकल हैं। चाहे कितना भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी काफी करीब आ जाएं, फिर भी उनके बीच में कुछ न कुछ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, कुछ न कुछ गैप्स होते हैं जिस गैप को हमारी खुली आंखें देख नहीं पाती हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाती। आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक ग्लास में 2/3 आप भर दीजिए स्फेरिकल बॉल्स से, गोलियों से भर दीजिए, स्फेरिकल बॉल्स से भर दीजिए 2/3, और शेष 1/3 जो बचा, उस 1/3 में आप ऊपर से सैंड डाल दीजिए और लबालब ग्लास को भर दीजिए। लेकिन जब आप ग्लास को रखते हैं किसी टेबल पर और टेबल को थपथपाते हैं या ग्लास को जब हिलाते हैं, जर्क देते हैं, तो आप पाते हैं कि बालू का लेवल कुछ नीचे चला गया। ये बालू का लेवल कहाँ चला गया होगा? ये बालू का लेवल स्फेरिकल बॉल्स के बीच में जो गैप्स है, वॉइड्स है, उसी में चला गया होगा, जिसके कारण उसका लेवल नीचे हो गया। आप देखते हैं कहीं आप मिट्टी भरवाते हैं या बालू भरवाते हैं किसी स्पेस, किसी प्लेस में, किसी बाउंड्री के अंदर, तो कुछ दिनों के बाद उसका लेवल नीचे चला जाता है। उसका लेवल क्यों जाता है? क्योंकि वह ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ज्यादा कॉम्पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच जो वायर्स होते हैं, ये वायर्स स्मॉलर पार्टिकल से भरने लगते हैं, भर जाते हैं और उनका लेवल नीचे आ जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप 2/3 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उस वाटर में यदि आप 1/3 अल्कोहल उस पर डाल दीजिए या मिथिलेटेड स्प्रिट डाल दीजिए, तो आप पाएंगे क्या, वह तो लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसको यदि आप मिला दें, खिला दें, तो आप पाएंगे कि उसका भी लेवल नीचे आ गया है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के गैप्स में, वॉइड्स में फील हो गए हैं, भर गए हैं जिस डिफ्यूजन के बाद, और यही कारण है कि उनका लेवल नीचे आ गया है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप रोज देखते होंगे। तो ये वॉइड्स जो है, सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में बहुत सारे उभरे हुए पार्ट्स होंगे और गैप्स होंगे, यानी छोटे छोटे गड्ढे होंगे। यदि एक दूसरे ब्लॉक से उस पर आप एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक रखते हैं या एक सरफेस पर एक ब्लॉक को रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उभरे हुए पार्ट्स हैं, उभरे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, वे दूसरे सरफेस के गैप में इंटरलॉक हो जाते हैं। वे उभरे हुए पार्टिकल्स एक दूसरे के वॉइड्स में, एक दूसरे के गैप में इंटरलॉक हो जाते हैं, और इस इंटरलॉक होने के कारण कि जब हम फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पर, स्लाइड कराना चाहते हैं, तो स्लाइड होने में दिक्कत होती है, हमको थोड़ा लार्जर फोर्स लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता है उतना उसको चलाने के लिए लार्जर फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका कारण यही है कि इंटर मॉलिक्यूलर गैप्स में जब एक दूसरे के पार्टिकल्स चले जाते हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं, तब हमको फोर्स लगाना पड़ता है, एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है। यही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। यही कारण है कि ये स्क्रैच आ जाता है। यदि आप किसी चीज से बालू रखते हैं और उस पर आप कोई बॉडी को स्लाइड कराते हैं, तो स्क्रैचे जाते हैं। आप देखते होंगे कि आप कैरम खेलते हैं, स्ट्राइकर से आप बार बार स्ट्राइकर का प्रयोग करते हैं, तो कैरम पर भी आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद स्क्रैच आ जाते हैं। ये फ्रिक्शन के कारण हुआ। तो फ्रिक्शन है क्या? तो वास्तव में यह एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स बताया था,
कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने दो तरह की बात बताई थी, एक नॉर्मल रिएक्शन बताया था और एक फ्रिक्शन बताया था। और सपोज कीजिए कि यह एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखते हैं, तो एक फोर्स तो mg नीचे की ओर लग रहा होगा जो इसके वेट के कारण होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं F, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एग्जिस्ट करता होगा पीछे की ओर, जो इसके मोशन में बाधा पैदा करता होगा। या यदि आप पहले से मोशन में है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स मोशन रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लग रहा होगा। इसको यदि हम एफ से इंडिकेट करें, ये दोनों फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेज ही हैं। और वास्तव में जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात केवल करते हैं तो हम रिजल्टेंट ऑफ एफ और एन की बात करते हैं। जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो हम रिजल्टेंट ऑफ एफ और एन यानी फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। इस दोनों के रिजल्टेंट को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कह रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स अगर है तो इस कॉन्टैक्ट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एक कंपोनेंट है, यह कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड एट ए रफ सरफेस एंड ए फोर्स इज अप्लाइड इन ऑन इट सो एज टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, देन एन अपोजिंग फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन देयर सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस अपोजिंग फोर्स इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, if a body is placed at a rough surface and a force is applied on it so as to produce रिलेटिव मोशन, देन एन अपोजिंग फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन देयर surfaces of contact. This opposing force to oppose a relative motion. This opposing force is called friction. इसी opposing force को हम friction कहते हैं। एक बात और समझिए, suppose कीजिए कि एक glass slab है, एक glass slab पर दूसरा glass slab को रख दिया जाए। glass slab तो बिल्कुल smooth दिखता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, आप स्पर्श करके भी देखेंगे, छू कर भी देखेंगे तो वह बिल्कुल स्मूथ होता है। लेकिन एक ग्लास सरफेस पर हम दूसरा ग्लास एक ग्लास स्लैब पर हम दूसरा ग्लास स्लैब रखें और उनके बीच रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करने के लिए हम फोर्स लगाएं, तो आप फील करेंगे कि हमको लार्जर फोर्स लगाना पड़ रहा है उनके बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। आप फील कीजिए कि एक दिनों से एक दूसरे से चिपक रहे हैं और उनको
स्लाइड कराना, एक का एक स्लैब का दूसरे स्लैब पर स्लाइड कराना मुश्किल हो रहा है, ज्यादा कठिन हो रहा है। तो वो तो स्मूथ है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपके मन में प्रश्न पैदा होता होगा। तो देखिए, आप जान सकते हैं, महसूस करेंगे कि ये जो स्मूथ सरफेस है, दोनों को जब हम ग्लास स्लैब पर जब हम स्पर्श कराते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं और दोनों को एक दूसरे पर रखते हैं, तो आप तो उन दोनों के सरफेसेस अपेक्षाकृत ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं किसी रफ सरफेस पर किसी वस्तु को रखने के अपेक्षा, और ज्यादा नजदीक होने के कारण उनके मॉलिक्यूल के बीच एक और एक फोर्स लगता है जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच लगने के कारण ही उनका उनके बीच फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन को आप माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों व्यू से देख सकते हैं। यदि आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो आप कहेंगे कि एक बॉडी का मॉलिक्यूल दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर गैप में इंटरलॉक होता होगा और दूसरे का मॉलिक्यूल पहले के इंटरमॉलिक्यूलर गैप में इंटरलॉक हो जाता होगा, जिसके कारण फ्रिक्शन है। लेकिन जब दोनों सरफेसेस बहुत ही स्मूथ हों, जैसे ग्लास स्लैब के बीच का, तब ऐसा कैसे होता है? तब उसका कारण देंगे हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से। माइक्रोस्कोपिक व्यू के कारण दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे पर एक दूसरे को हटाना मुश्किल होता है, दूसरे पर स्लाइड कराना मुश्किल होता है, और यह फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, अपोजिंग फोर्स डेवलप करता है। तो फ्रिक्शन को हम इस तरह से भी माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी और माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी डिफाइन करते हैं। ये फ्रिक्शन कई प्रकार का हो सकता है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप क्लास 12 में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या है ये सब आप समझ नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण क्या फोर्स लगता है, या मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो ये सब चीज हम लोग क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज जान लीजिए कि इस फ्रिक्शन को आप बांट सकते हैं दो तरह से, और एक को आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरे को आप कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन हम एक तीसरे की भी बात करें और इसको हम लिखें लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा दोनों के तीनों के बीच में अंतर बताता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सपोज कीजिए कि एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक टेबल पर यह एक मार्कर रखा हुआ है, या सपोज कीजिए कि यह डस्टर है, यही रखा हुआ है। अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यह चल नहीं रहा है, यह बढ़ नहीं रहा है, इसमें रिलेटिव मोशन पैदा नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने कोई जो फोर्स लगाया, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, इस मैग्नीट्यूड के फोर्स के कारण इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनके सरफेसेस के बीच, मेरे हाथ के पाम और इस सरफेस दोनों के बीच कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स लगता होगा जो इस फोर्स का विरोध कर रहा है, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का विरोध कर रहा है। यदि हम इस पर फोर्स लगाएं और यह स्थिर रह जाए, इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हो, इतना बड़ा फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं कि मोशन प्रोड्यूस हो जाए, तब भी अपोजिंग फोर्स तो डेवलप हो ही रहा है, तो इस अपोजिंग फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट The body does not displace such that the body remains stationary, then opposing force produced between their surfaces of contact is called static friction. Understanding? अब हम देखें कि limiting friction क्या है। Limit का मतलब क्या होता है? Boundary,
सीमा। तो लिमिट का मतलब बाउंड्री होता है या सीमा होता है। अब यदि हम फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वस्तु चलने चलने की स्थिति में हो जाएगी, जस्ट टेक टू स्लाइड की स्थिति में हो जाएगी। अब चल ही पड़ने वाली है। ऐसी स्थिति में जो अपोजिंग फोर्स के सरफेसेस के सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच डेवलप होता है, उस फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यह लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का आप कह सकते हैं कि यह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन यदि वस्तु चल रही है, यदि एक सरफेस पर एक वस्तु स्लाइड कर रही हो, वह इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा हो या हम कोई फोर्स लगाकर उसको स्लाइड करा रहे हो, कहने का मतलब है कि वस्तु यदि मोशन में हो, दो सरफेसेस के बीच उनका रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में इनके सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को जो अपोजिंग फोर्स लगता है, उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि हम इस फ्रिक्शन और फोर्स के बीच ग्राफ खींचें, हम यह एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, यह एक्सटर्नल फोर्स है और यह मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो यह ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन के रूप में पहले आएगा, अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। यहां से यहां तक हम समझें कि यह स्टैटिक फ्रिक्शन को हम दिखा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि थोड़ा और फोर्स लगाएंगे तो यह चलने चलने की स्थिति में हो जाएगी, बस चलने चलने की स्थिति में हो जाएगी। और यदि चल पड़ा, यदि और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो यह चल पड़ा, और चलने के बाद इसका फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है, इसका फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स घट गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यहां से यहां तक एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां से यहां तक जो आप स्ट्रेट लाइन का पोजिशन देखते हैं यह स्टैटिक फ्रिक्शन है, और यह जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ यह लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यह हम बता रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां से यहां तक का जो जोन है फ्रिक्शन का, इस जोन को हम कहेंगे द रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यह रीजन है स्टैटिक फ्रिक्शन।